भाई मौसम बड़ा खुशगवार है इस वक्त कराची का, और यही वजह है कि मैंने सोचा कि छत पे आके जो है नाश्ता किया जाए बेगम साहिबा के साथ। और ये नाश्ता तैयार है, ये सैंडविचेस हैं, ये हसबे मामूल चाय है, और साथ में जो है वो थोड़े से एप्पल काटे में। पनीनी सैंडविच भाई, ये भी लगता है टर्किश ही है। नहीं सही है, ब्रॉड कंट्री में अमेरिका में फर्स्ट टाइम सॉल्व हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब? ठीक ठाक हैं जनाब? आज जिस दिन गवर्नमेंट ने दोबारा छुट्टी कर दी है बारिश की वजह से, तो आज ज़ाहिर ऑफिस नहीं गए, तो बस अभी सुबह सुबह उठे हैं और अभी नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है। तो आइए चलते हैं, आपको नाश्ता कराते हैं, हमारे साथ रहिएगा। चाय तैयार हो रही है सुबह सुबह। आपको तो पता है कराची में जो है चाय के बगैर सुबह नहीं होती। ये जनाब नाश्ता तैयार हो गया है। ये जनाब चाय को जोश आ रहा है जनाब, उबाल आ रहा है, थोड़ा सा अगर तेज़ कर देंगे पैंट तो तैयार हो रहे हैं जनाब। ये भाई मौसम बड़ा खुशगवार है इस वक्त कराची का, और यही वजह है कि मैंने सोचा कि छत पे आके जो है नाश्ता किया जाए बेगम साहिबा के साथ। और ये नाश्ता तैयार है, ये सैंडविचेस हैं, ये हसबे मामूल चाय है, और साथ में जो है वो थोड़े से एप्पल काटे हैं। तो नाश्ता कराते हैं फिर आपको। वैसे उमूमन कराची में आपको पता ही है कि नाश्ते में चाय और इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें ली जाती हैं। अच्छा, बरसात की वजह से ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज। अच्छा भाई, सीन ये है कि अभी जा रहा है व्लॉग बनाने के लिए, जो हमारा दूसरा चैनल है फूड एक्सप्लोरर, उसके लिए मैं जा रहा हूँ व्लॉग करने। तो आप भाई मेरे साथ होंगे, तो आइए पूरा सीन दिखाते हैं आपको। जनाब हम लोग आ गए हैं इस वक्त, कहा भाई के साथ हूँ मैं, और ये हुसैनाबाद स्ट्रीट है। ये क्या भाई, सिल्वर स्पून? सिल्वर स्पून तो काफ़ी मशहूर है यहाँ पर, सिल्वर स्पून से बात हुई। अच्छा दी, कहा भाई फिर क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहिए आप बताएं, चलते हैं आप लोगों को। काफ़ी घूम फिर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा नादरी को दिखा देते मेकिंग भी इसकी, और ऑनर्स भी मिलवाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमारे साथ रहिएगा। सीन तो वैसे ऑन ही है, ऑन ही है। अच्छा जी, अभी चलते हैं जी, यहाँ पर कुछ कुकिंग चल रही है, कुकिंग देखते हैं। ये भाई आ गया है जी, क्या बन रहा है बॉस? ये सही है, पनीनी सैंडविच है, टेंडर ग्रिल सब फ्लेवर के अंदर। पनीनी सैंडविच भाई, ये भी लगता है टर्किश ही है। नहीं सही है, ब्रॉड कंट्री में अमेरिका में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 1913 के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान में आए हुए ब्रांड लेवल पे तो था, बट स्ट्रीट लेवल पे नहीं था। चिकन फ्राई का मोटिव भी यही था कि जो बाहर ममालिक में ब्रांड्स में मिलती है, हमारे यहाँ पे जो लोग स्ट्रीट पे ट्राई नहीं कर सकते, उनके लिए वो फ्लेवर उतारना था चीपेस्ट। ये क्या फ्रेंच फ्राइज वाले? ये फ्राइज़ की लेयर होती है, और इसमें जो चिकन यूज़ होती है वो टेंडर लाइन है, यानी चिकन का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग है, जब आप बाइट लोगे इसकी फर्स्ट
पनीनी की, तो आपको मतलब इतना हैकरी फ्लेवर मिलेगा ना इस चिकन का कि आपको पूरी ब्रेड को स्मूथली मील करने को मिलेगा। ये चीज़ डला है मेरा ख्याल है इसके अंदर। ओके, ये आ गई जी चीज़ की लेयर। ये आ गई जी पनीनी तैयार हो गया। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा बेक करेंगे। ओके, ग्रिल कहलाता है। अच्छा, इसको पूरी तरह जो है इसको प्रेस नहीं करते, नहीं, थोड़ा सा ऊपर से रहता है ना। अच्छा, ये कौन सा रैप है बॉस? ये पनीनी सैंडविच है, बट इसका फ्लेवर जो है वो फ्रीक है। इसका साइज़ जो है वो 6 इंच होता। ओके, वेजिटेबल्स जो है वो आइसबर्ग है, कैप्सिकम है, और जो रॉ मीट है इसका वो पूरा शेल बॉडी जो है वो केनन की है। उस पर सिग्नेचर जो मैरिनेशन है वो हमारी है। पूरा फुल ऑफ वेजिटेबल। अच्छा, चिकन भी आ गई है इसके ऊपर। साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। 8 इंच का है ये 6 इंच। 6 इंच इसका साइज़ है और वो सामने जो है वो 8 इंच है। भाई, फूड व्लॉगर के लिए एक मसला ये है कि घर वाले जो है ना वो कहते हैं भाई खुद खा कर आ जाए तो हमारे लिए लेकर नहीं आते। तो एक फरमाइश आई थी, उस फरमाइश को मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर है हुसैनाबाद में बाबा रबड़ी, तो बाबा रबड़ी ट्राई करते हैं। मैं तो पहली बार ट्राई करूँगा, देखते हैं शायद कैसी रबड़ी हो, वो लेकर चलते हैं घर के लिए। ये आ गया जी बाबा रबड़ी। बाबा रबड़ी आ गए, हम ज़रा देखते हैं क्या कौन सा आइटम है बाबा रबड़ी का। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार, कौन कौन से फ्लेवर होते हैं आपके पास? हमारे पास रबड़ी खीर मिक्स है, पिस्ता रबड़ी है, लचरदार रबड़ी, खीर, दूध वाली, चेरी क्रंच, खीर के प्याले। सही, खीर के प्याले। ये प्याले का प्यार कितने का होता है बस? ये वाला खीर का प्याले का 60 रुपये की जोड़ी है। अच्छा, तो फिर ऐसा कर दें, ये दे दें, ये 3 जोड़ी दे दें। भाई, रबड़ी तो लास्ट टाइम हमने खाई थी, तो हमने कहा यार रबड़ी नहीं लें, इस दफ़ा जो है वो ये ले लेते हैं, खीर की प्याली। ये काफ़ी ट्रेडिशनल है कराची में, वुमन जो पुरानी शॉप्स हैं वहाँ पर मिलती है। यार ऐसा करो कि एक और दे दो, 4 कर दो। तो ये दे दो, ये ले लिए मैंने ही। अच्छा जी, आज हमने जो है ना वो ताहा भाई के साथ मिलकर ना 2 व्लॉग बनाए, और वैसे ये सीक्रेट्स होती हैं आपको बता रहा हूँ मैं। 2 व्लॉग बनाए और ये 2 व्लॉग हमने एक दिन में बनाए। इसको हम अलग अलग वक्त में डालेंगे क्योंकि टाइम ज़रा होता है कम, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हम इस तरह से कर रहे होते हैं। तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट आपको तो पता है बहुत ही मशहूर कराची में ये फूड स्ट्रीट है, तो इस पर इतनी सारी फूड्स की शॉप हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट हैं कि इसको कवर करना जो है वो एक दिन में बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए ज़रा वक्त चाहिए होता है। तो आज मेरा व्लॉग यहीं तक है, तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।